ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਡੀਐਨ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜਕਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हैं। सबसे पहले तो धनखड़ जी, हम ये जानना चाहते हैं जिससे आज की डेट में केंद्र में सरकार है, में से जो है आपकी डिमांड्स हैं, तो अब लगता है कि उसको पूरा किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल सरकार इस बारे में सिंसियर है और मेरी पार्टी की सिंसियरिटी उस बात में भी मुझे दिखाई दी जब घोषणा पत्र में अधिकांश मुद्दों को शामिल किया गया जिनके हम लड़ रहे थे, और उसके बाद भी मुझे ये सिंसियरिटी दिखाई दी कि प्रधानमंत्री जी हमारे बने हैं, उन्होंने भी अपने पूरे कैंपेन में किसानों के मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाया। नहीं तो मीडिया में यही इसी प्रेस में कहा था कि किसान क्यों नहीं बन रहे, उनके लिए मैं आभारी हूं उनका। और जो ही सरकार बनी है, बनते ही कृषि मंत्री जी ने मुझे आमंत्रित किया, इन विषयों पर चर्चा की है और उसी विषय को और ज़्यादा गहरा चिंतन करने के लिए हमने 7 अप्रैल को हरियाणा में ही बहादुरगढ़ में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें भारत के कृषि मंत्री हम हमारे साथ रहने वाले हैं और सभी पेंडिंग विषयों पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक उनके नाते से, पार्टी के नाते से हम उनके सहयोगी बनेंगे और सरकार भी हमको वो कमिटमेंट दिखाई देती है कि वो करेंगे। जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव किस तरह से ले रहे हैं प्रदेश में? देखिए, बहुत अनुकूलतम माहौल है। भारतीय जनता पार्टी 52 स्थानों पर प्रदेश भर में आगे बढ़कर आई है, लोगों में भी एक उत्साह है, सबको लग रहा है कि जिस प्रकार की सरकार केंद्र में बनी है उसी के साथ प्रकार की सरकार हम राज्य में, कि जिसके कारण से केंद्र के का लाभ लेते हुए अधिक से अधिक यहाँ पर जो है विकास किया जा सके। जिस तरह से 10 वर्षों से जो सरकार यहाँ थी वो परो कारपोरेट थी, परो पीपल नहीं थी और लोगों में एक बहुत भारी डिससेटिस्फेक्शन है उसके कारण से, तो लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसी सोच वाली सरकार बने जिसमें आम आदमी का भला हो। जिस तरह से गठबंधन की बात की जाए, काफ़ी समय जो है असमंजस में है स्थिति, समय भी कम रह गया विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें, तो आप उसमें क्या कहाँ तक सहमत है? 45-45 सीटों की बात हो रही है, तो यहाँ पे काफ़ी बीजेपी के नेता की बयानबाजी आ रही है, वहाँ से हजका के नेता की बयानबाजी आ रही है, तो आप कहाँ तक सहमत हैं, किस तरह की? हम हजका के साथ गठबंधन को जारी रखना चाहते हैं और जो भी पॉलिटिकल सीन चेंज हुआ है, बदले हुए पॉलिटिकल सिनेरियो में फिर से बैठकर समीक्षा करते हुए और नए सिरे से सब चीज़ों को तय करेंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सुविचारित मत है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी हमारे साथ रहे, मिलकर हम चुनाव लड़े। तो धनखड़ जी, लगता है कि 45-45 सीटों पे होगा या 20 की बात भी चली? ये सब समीक्षा के विषय है जी। तो जिस तरह से अगर बात करें मुख्यमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका भी नाम आ रहा है इसमें, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री तय करना, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय होता है तो विधायक दल तय करता है, चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री तय होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये भी तय नहीं किया है स्ट्रेटेजी के नाते से कि हरियाणा में हम मुख्यमंत्री अनाउंस करके चुनाव लड़ेंगे या बिना अनाउंस करे लड़ेंगे, तो पहले तो ये तय होगा, और अगर ये तय करता है पार्लियामेंट्री बोर्ड हमको अनाउंस करके तय करना है तो फिर वो हरियाणा के जो भी कार्यकर्ता है उन पर विचार करेगा। सब जिस तरह से बात की जाए, एक सीट पे आपकी हार काफ़ी कम उससे हुई है, लेकिन क्या कारण मानते हैं आप अपनी हार का? देखिए, सारी सरकार एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही थी, सरकारी मशीनरी का वहाँ बड़ा जबरदस्त दुरुपयोग हुआ है, सारी जो वहाँ की माइक्रो लीडरशिप थी उनको उन्होंने काफ़ी रिसोर्सेज साथ बांध कर रखा है कि भाई 65,000 नौकरियां भी निकाली हुई थी जिसका लालच वहां फेंका गया है, उन सब का ये परिणाम है। मेरे खिलाफ कोई एक सांसद केवल चुनाव नहीं लड़ रहा था, एक सरकार और एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था। जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु की बात है, उनका प्रभाव काफ़ी है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया आपके प्रचार अभियान में, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में भी यानी साथ होते तो अच्छा होता? बिल्कुल, जिस तरह से ओपी धनखड़ जी ने साफ तौर पर कहा है कि आगे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी जो है पूरी तैयारी में है और उन्हीं का मुख्यमंत्री जो है हरियाणा से इस बार जीतेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डीएन नाइट न्यूज। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।